Now next one, this is the beginning session of array concept in C language. इस session में just discuss करेंगे basic introduction and definition of array. इसे array के cases में सबसे पहले मैं discuss करूँ what is the purpose behind introducing array in programming language. Means किसी भी programming language के अंदर array को introduce करने का just main purpose क्या है. Means just array को create करने के respect में बात कर रहे हैं. एरे को क्रिएट करने का भी पर्पज क्या, लाइक क्रिएटिंग वेरिएबल्स. मीन्स वेरिएबल्स को क्रिएट करने का पर्पज क्या था, स्टोरिंग वैल्यू और इन्फॉर्मेशन और डेटा. सेम है एरे को भी स्टोर कराने का या क्रिएट करने का मेन पर्पज क्या है, स्टोरिंग वैल्यू और इन्फॉर्मेशन और डेटा. अब क्वेश्चन है कि अगर आपके पास डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की ऑलरेडी वेरिएबल कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, देन स्पेशली एरे को इंट्रोड्यूस करने का जस्ट पर्पज क्या है. सपोज दैट अगर आपको ओनली सिंगल वैल्यू स्टोर कराना है, सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप सिंपली यूज क्या करोगे, सम वेरिएबल लाइक इंटीजर एक्स वन. क्लियर. बट सपोज दैट मीन्स एक्स वन के रिस्पेक्ट में बात करें, एक्स वन के अंदर एट ए टाइम ओनली सिंगल वैल्यू स्टोर कराना पॉसिबल है. अगर मुझे स्टूडेंट मार्क्स स्टोर कराना है बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अगर स्टूडेंट फाइव सब्जेक्ट्स हैं, अगर फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराना है, उसके इसमें वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, देर आर फाइव सेपरेट वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड एक्स फाइव. इसे टोटल अगर आपके पास फाइव वेरिएबल्स अवेलेबल है, इस केस में टोटल कितने वैल्यू स्टोर कराना पॉसिबल है एट ए टाइम, फाइव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज. इन दैट केस इस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना, देन वेरिएबल इज अ गुड आइडिया. बट सपोज दैट किसी यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के डेटा को मैनेज कराना है. मीन्स रिलेटेड टू स्टूडेंट डेटा. स्टूडेंट डेटा मीन्स लाइक रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट्स, नेम ऑफ ईच स्टूडेंट्स, सेम एज एज इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट और समथिंग एवरेज मार्क्स और ग्रेड. किसी भी यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बात करें, देयर मे बी चांस ऑफ हैविंग थाउजेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, देन इस केस में आपको रोल नंबर कितने मैनेज करने होंगे, देयर आर सेपरेटली 10,000 रोल नंबर, सेम एज नेम, सेम एज अदर रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन. एज इन्फॉर्मेशन एवरेज की बात करें तो एवरेज मार्क्स भी कितने स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना, 10,000 सेपरेट स्टूडेंट्स. मीन्स अगर आपको 10,000 सेपरेट स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स स्टोर कराना, देन इस केस में आपको सेपरेटली वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 10,000 सेपरेट वेरिएबल्स. देन इस केस में आप वेरिएबल्स कितने क्रिएट करोगे, 10,000 वेरिएबल्स. मीन्स अगर आपको एवरेज इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना है, एवरेज स्टूडेंट ऑफ ईच इन्फॉर्मेशन, अगर सॉरी ईच स्टूडेंट्स, अगर टोटल 10,000 स्टूडेंट्स हैं, देन 10,000 स्टूडेंट्स के एवरेज इन्फॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए आपको सेपरेटली कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, देर आर सेपरेटली 10,000 वेरिएबल्स. मीन्स 10,000 वेरिएबल्स क्रिएट करना आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन इस केस में अगर आप इस टाइप से कोई प्रोग्रामिंग क्रिएट कर दे, कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर देता है, इस केस में प्रोग्राम कैसा होगा, रीडेबल और नॉन रीडेबल. नॉन रीडेबल प्रोग्राम सेम है. अगर प्रोग्राम के मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस मीन्स इन फ्यूचर अगर इस कोडिंग में आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, देन इस केस में 10,000 वेरिएबल्स को मैनेज करना काफी कॉम्प्लेक्स हो. मीन्स अवर प्रोग्राम बिकम्स और लॉजिक बिकम्स कॉम्प्लेक्स. सेम इसके साथ रियूजेबिलिटी पॉसिबल है क्या, रियूजेबिलिटी मीन्स एलिमेंट्स को एरे के थ्रू एक्सेस या प्रोसेस करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जांपल्स अगर 10,000 वेरिएबल्स के लिए, अगर आपको 10,000 वेरिएबल्स के लिए डेटा इंडिविजुअली वन बाई वन अगर आपको सेपरेटली कीबोर्ड से रीड करना है सेपरेटली, तो सबसे पहले आप डिस्प्ले क्या कराओगे, सम मैसेज देन स्कैनएफ. तो स्कैनएफ में सबसे पहले उन्हें रीड किया इन्फॉर्मेशन फॉर एक्स वन. सिमिलरली सेकेंड केस में स्कैनएफ के थ्रू मैनेज किया करना रीडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर एक्स टू. तो इस केस में टोटली स्कैनएफ फंक्शन कितनी बार रिपीट होगा, 10,000 टाइम्स. क्लियर. सेम है अगर आप डेटा के मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक कैलकुलेटिंग एवरेज फॉर एवरी मार्क्स, अगर एवरेज कैलकुलेट करना, तो इस केस में एवरेज भी, एवरेज के लॉजिक्स भी कितनी बार रिपीट होंगे, अप टू 10,000 टाइम्स. मीन्स इसके साथ रिजुअलिटी पॉसिबल नहीं है. क्लियर. देयर फोर आवर प्रोग्राम और लॉजिक्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स. दिस इज द प्रॉब्लम विद मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स. मीन्स वेरिएबल्स के केसेस में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेज करना पॉसिबल है, लेकिन इस केस में कोड कैसा, रीडेबल और नॉन रीडेबल, नॉन रीडेबल और कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स. मीन्स वेरिएबल इज अ बेस्ट सूटेबल फॉर स्टोरिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज नॉट सूटेबल फॉर स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन.
मीन्स अगर आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2, 3, 5 या 10 और 20 वैल्यू स्टोर कराना, देन आपकी वेरिएबल क्या सूटेबल कीज। बट सपोज दैट अगर आपको 100,000 और 10,000 अमाउंट में आपको कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन मैनेज करना है, तो इस केस में बेस्ट सूटेबल आइडिया क्या रहेगा, एरे। बिकॉज अगर आप 10,000 सेपरेटली वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, इस केस में टोटल वेरिएबल कितने क्रिएट होंगे, 10,000। देन मैटर मीन्स इस केस में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कितने हैं, 10,000 नेम्स। आपके लिए 10,000 नेम्स याद रखना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेम केस इंडिविजुअली 10,000 वेरिएबल्स क्रिएट न करें, अगर आप कोई एरे क्रिएट करते हो लाइक दैट, इंट एक्स विद साइज 10,000। अगर मैं यहाँ मेमोरी एलोकेशन की बात करूँ, मेमोरी एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों केस में सेम नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेट होंगे, मीन्स बाइट्स के एलोकेशन वाइज दोनों की प्रोसेस कैसे सेम। लेकिन प्रीवियस केसेस में आपके पास टोटल डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, 10,000 डिफरेंट नेम्स। लेकिन इस केस में कितने नेम्स क्रिएट हुए, ओनली सिंगल नेम। मीन सिंगल नेम का यूज करके आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट 10,000 एलिमेंट एक्सेस करना पॉसिबल बेस्ड ऑन यूनिक इंडेक्स वैल्यू। मीन्स आपको यहाँ इंडेक्स कंसल्टेट नहीं करना, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट एरे नेम। अगर आप कोई एरे क्रिएट कर देते हैं एरे के रिस्पेक्ट में, अगर आपको 10,000 वैल्यू स्टोर कराना है, इसके इसमें 10,000 सेपरेट नेम्स क्रिएट होना होंगे या सिंगल नेम्स, ओनली सिंगल नेम्स। प्रीवियस केसेस में आपको 10,000 डिफरेंट नेम्स याद रखने की जरूरत थी, जबकि इसके इसमें ओनली सिंगल नेम। सिंगल नेम का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट 10,000 एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इंडेक्स एक्सेस करना पॉसिबल। वन मोर थिंग्स, अगर आपके पास एलिमेंट एरे के फॉर्म में, देन एलिमेंट्स आपके लिए लूप के थ्रू रीयूज करना पॉसिबल। अगर आपको वैल्यू रीड कराना, देन सिंपली यूज क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन अप टू 10,000, आई प्लस प्लस। देन अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कैनएफ फंक्शंस के थ्रू डेटा बार बार रीड कराना, सिंपली यूज क्या करेंगे, स्कैनएफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एम परसेंट ऑफ आई। इस केस में बार बार वेरिएबल का नेम चेंज हो रहा है और ओनली इंडेक्स वैल्यू चेंज होगा, ओनली इंडेक्स वैल्यू चेंज होगा, जो कि लूप के थ्रू मैनेज करना पॉसिबल है। प्रीवियस केसेस में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लॉजिक कितनी बार रिपीट हो रहे थे, 10,000 टाइम। लेकिन इस केस में लॉजिक कितनी बार राइट हुआ, 10,000 टाइम और ओनली 1 टाइम। एग्जीक्यूशन 10 टाइम परफॉर्म का, नो डाउट। मैं बात कर रहा हूँ कोड, कोड कितनी बार राइट डाउन किया, 10,000 टाइम और ओनली 1 टाइम, ओनली 1 टाइम्स। इस एरे के केसेस में लॉजिक्स को भी रीयूज करना पॉसिबल है, देयरफॉर आवर कोड और लॉजिक बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड और मोर रीडेबल कंपेयर टू प्रीवियस केसेस। क्लियर। मीन्स एरे को यूज इंट्रोड्यूस करने का जस्ट मेन पर्पज क्या है, स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। वन मोर थिंग्स, अनदर केस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टोटल 10,000 वेरिएबल्स क्रिएट किए लाइक दैट, प्लस एक कोड करेंटली अवेलेबल किसके अंदर, इन साइड मेन फंक्शन। अगर मेन फंक्शन के अंदर मैं कोई पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ लाइक डिस्प्ले फंक्शन, मैंने कॉल क्या किया, डिस्प्ले। मीन्स अगर इन सभी वेरिएबल का वैल्यू मुझे डिस्प्ले कराना है, देन मैं इसके केस में यूज क्या करूँ, सम डिस्प्ले फंक्शन। तो इसके साथ अगर आपके पास टोटल 10,000 वेरिएबल्स हैं, देन डिस्प्ले फंक्शन के अंदर अगर आपको सारे के सारे वैल्यू पास करना, टोटल कितने आर्गुमेंट पास होंगे, x1, x2, x3 अप टू, टोटल कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं इसके इसमें, टोटल 10,000 आर्गुमेंट्स। अगेन कोड कैसा आपका काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको मीन्स 10,000 वेरिएबल्स मीन्स आर्गुमेंट सप्लाई करना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। मीन्स अगर आप राइट डाउन करो तो एक टास्क कैसा होगा, टाइम टेकिंग। सेम कॉन्सेप्ट को अगर एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो आप, देन एरे के केस में क्रिएट कैसे करें लाइक दैट 10,000। इस एरे के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट और वैल्यूज कितने स्टोर हैं, ऑल्सो 10,000 वैल्यू। इस केस में अगर आपको डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू सारे के सारे एलिमेंट पर डिस्प्ले कराना है, देन यूज क्या करें इस केस में, मीन्स आपके पास वेरिएबल नेम्स कितने, 10,000 और ओनली वन। तो इस केस में टोटल कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, ओनली वन आर्गुमेंट, जबकि प्रीवियस केस में टोटल कितने आर्गुमेंट पास हुए थे, 10,000 आर्गुमेंट। दिस इज द अनदर यूज ऑफ एरे। मीन्स एरे एक्ट्स लाइक अ कंटेनर। कंटेनर मीन्स जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल किसके पास है, मेन फंक्शन के पास, सेंड किसके लिए कर रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन के लिए। तो डिस्प्ले फंक्शन के लिए मेन फंक्शन से इन्फॉर्मेशन वेरिएबल्स के फॉर्म में भी सेंड करना पॉसिबल और एरे के फॉर्म में भी सेंड करना पॉसिबल है। इस केस में इसे एरे के अंदर टोटल इन्फॉर्मेशन और वैल्यू कितने स्टोर हैं, 10,000 वैल्यूज, प्लस इस लोकेशन का नेम क्या है, एक्स। तो इस केस में एक्स और एरे क्या है, लुक्स लाइक अ कंटेनर और एक्ट्स लाइक अ कंटेनर। मीन्स एरे के थ्रू ह्यूज अमाउंट और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एज अ सिंगल प्लेस स्टोर करके ट्रांसफर करना पॉसिबल। दिस इज द अनदर यूज ऑफ एरे। इस टाइप से एरे के कई सारे प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट, बेसिक डेफिनेशन।
एरे इज एन इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इंडेक्स्ड कलेक्शन, इसे आपने अगर जो साइज 10,000 प्रोवाइड किया है तो इस केस में टोटल इंडेक्स कितने क्रिएट होंगे, 10,000 डिफरेंट इंडेक्स फ्रॉम 0 to 9,999। क्लियर, इंडेक्स्ड कलेक्शन मीन्स इस केस में एलिमेंट किस फॉर्म में एक्सेस हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ इंडेक्सेस प्लस होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस मीन्स एरे के अंदर आप जितने भी एलिमेंट स्टोर करो उसके इसमें डेटा टाइप का यूज किया, अगर इंटीजर, अगर इंटीजर टाइप यूज किया सभी सारे के सारे एलिमेंट और प्लेस किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप ओनली, मीन सारे के सारे वैल्यू किस फॉर्म होना चाहिए, ओनली इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कैरेक्टर टाइप के वैल्यू स्टोर कराना है डेटा टाइप यूज करें, या कैर फ्लोट टाइप के वैल्यू स्टोर कराना है डेटा टाइप का यूज करोगे या फ्लोट, मीन एक बार अगर आपको एरे क्रिएट करते हैं एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, शुड बी सिमिलर टाइप, मीन हेटेरोजीनियस या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन फिक्स्ड इन साइज, इस प्रॉपर्टी को मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट सेशन, लेकिन करंटली बात करें फिक्स्ड इन साइज मीन से एक बार आपने कोई एरे क्रिएट कर लिया, ये एरे क्रिएट होने के बाद कभी भी एरे के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल इन स्टैटिक एरे, वी वंस एरे इज क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज साइज ऑफ एरे। क्लियर, वन मोर थिंग्स, एरे क्रिएशन प्रोसेस अगर मेमोरी एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेमोरी एलोकेशन वाइज एरे कैसा है, एरे इज अ स्टैटिक प्रोसेस, स्टैटिक और जस्ट मेमोरी एलोकेशन के रिस्पेक्ट में लास्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट टाइम में काफी डेप्थ में डिस्कस करूंगा, जस्ट करंट केस में बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। जनरली मेमोरी एलोकेशन वाली बात करूँ तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेमोरी एलोकेशन टू टाइप्स में डिवाइड होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मीन जस्ट कंपाइल टाइम, डायनेमिक मीन जस्ट रन टाइम। अगर आपके पास साइज इन्फॉर्मेशन कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है किसी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, अगर साइज इन्फॉर्मेशन और एलोकेशन इन्फॉर्मेशन अगर कंपाइल टाइम पर फिक्स्ड हो रहा है तो इस प्रोसेस को नेम देंगे जाए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, अगर साइज इन्फॉर्मेशन रन टाइम पर डिसाइड होता है तो इस प्रोसेस को नेम दोगे जाए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो एरे के रिस्पेक्ट में बात करें एरे का साइज इन्फॉर्मेशन कंपाइल टाइम पर अवेलेबल होना कंपलसरी है। क्लियर, अगर आप कंपाइल टाइम पर एरे का साइज प्रोवाइड नहीं कर रहे तो इस केस में कोड कंपाइल करना पॉसिबल नहीं है। एरे क्रिएशन प्रोसेस कैसा है, स्टैटिक, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं सिंटैक्स ऑफ एरे, एरे को क्रिएट करने का जस्ट बेसिक सिंटैक्स क्या फॉलो करो, अभी सारे के सारे प्रॉपर्टी में वन डायमेंशनल एरे के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करूँ, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा अबाउट टू डायमेंशनल एरे क्योंकि मैंने प्रीवियस केस में सारे टॉपिक्स प्रोवाइड किए थे सेम ऑर्डर। इन दैट केस सबसे पहले आप यूज क्या करोगे, डेटा टाइप, नेक्स्ट वन एरे नेम, देन एरे साइज, दिस इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग एरे। डेटा टाइप की बात करें किसी भी एरे का डेटा टाइप क्या हो सकता है, डिपेंड करेगा करंटली आप एरे के अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हो। सपोज दैट अगर एरे के अंदर मुझे सारे के सारे वैल्यू इंटीजर्स के फॉर्म में असाइन कराना है, देन डेटा टाइप क्या यूज करोगे, इस केस में इंट। अगर आपको एरे के अंदर कैरेक्टर्स स्टोर कराना है देन डेटा टाइप यूज करेंगे एज अ कैर। अगर आपको एरे के अंदर फ्लोट टाइप और डेसिमल नंबर स्टोर कराना है देन डेटा टाइप यूज करोगे एज अ फ्लोट। इसे एरे के केस में कोई भी डेटा टाइप यूज करना पॉसिबल, एनी डेटा टाइप। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर टाइप का ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल है जाए यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर लाइक अ एम्प्लॉय, देन स्पेस पर स्ट्रक्चर टाइप का भी नेम और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी यूज करना पॉसिबल, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वन एरे नेम, एरे नेम की बात करें एरे नेम के प्लेसेस पर कोई भी वैलिड आइडेंटिफाइड नेम यूज करना पॉसिबल, आइडेंटिफाइड मीन्स यूजर डिफाइंड नेम्स और एनी वेरिएबल, सॉरी एनी वैलिड वेरिएबल नेम्स, मीन्स जो रूल्स आपने वेरिएबल नेमिंग में फॉलो किए थे सेम रूल्स फॉलो करेंगे एरे नेम्स, मीन्स एनी नेम्स लाइक एक्स और एक्स वन लाइक दैट, मीन्स वी कैन यूज एनी वैलिड वेरिएबल नेम्स। क्लियर, नेक्स्ट वन साइज प्रॉपर्टी, मीन जस्ट सारे सारे रूल्स में डेप्थ में डिस्कस करूंगा सेपरेटली, करेंटली मैं जस्ट सिंटेक्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। साइज के रिस्पेक्ट में बात करें साइज के प्लेसेस पर आप सिंपली साइज किस टाइप का यूज करोगे, एनी इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर नंबर। वन मोर थिंग्स, साइज के प्लेसेस पर ओनली डायरेक्टली कॉन्स्टेंट वैल्यूज यूज करना पॉसिबल, मीन साइज के प्लेसेस पर कभी भी वेरिएबल सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसका जस्ट मैं रीजन डिस्कस करूंगा। जस्ट अभी साइज कैसा होना चाहिए, शुड बी कॉन्स्टेंट और लिटरल वैल्यूज। क्लियर,
वी कैन नॉट सप्लाई वेरिएबल इन प्लेस ऑफ साइज बिकॉज इसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज एरे क्रिएशन प्रोसेस इज स्टैटिक इन सी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस, अगर मैं कोई एरे क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट केस सिंपल केस यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे एरे के अंदर इंटीजर टाइप के एलिमेंट स्टोर कराना देन डेटा टाइप यूज करेंगे एज अ इंट. देन एरे का नेम आप कुछ भी यूज कर सकते हो लाइक ए नेक्स्ट वन. इस केस में साइज क्या लेंगे, अगर मुझे एरे के अंदर 5 एलिमेंट स्टोर कराना देन साइज का यूज करोगे 5. 10 एलिमेंट स्टोर कराना देन साइज यूज करेंगे एज अ 10. करंटली मैंने साइज प्रोवाइड किया 5, देन इंटरनली टोटल कितने एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट होगा, 5 एलिमेंट्स प्लस सभी एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप. क्लियर. करंट केस में मैंने पास क्या किया है, 5 एज अ कॉन्स्टेंट इंटीजर. एन अदर केस, नेक्स्ट केस में अगेन फिर से क्रिएट करूँ सेम प्रोसेस. मैंने राइट डाउन किया इंट एन इक्वल्स टू 5 देन इंट ए, एंड ए के अंदर मैंने साइज क्या पास किया है जा एन. इज इट वैलिड और इनवैलिड, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग और इनवैलिड प्रोसेस. रीजन, जब एरे क्रिएट होगा इस केस में जस्ट मैंने पास क्या किया एन, मीन्स एरे का साइज इन्फॉर्मेशन कब रिक्वायर्ड हुआ, एट कंपाइल टाइम और एट रन टाइम. एरे क्रिएशन प्रोसेस कैसा, स्टैटिक प्रोसेस. स्टैटिक के केस में साइज इन्फॉर्मेशन कंपाइल टाइम पर कंपाइलर के पास अवेलेबल होना कंपलसरी है, क्योंकि जब कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करेगा इस कोड या वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड किया करेगा सर साइज. जब कंपाइलर के पास साइज अवेलेबल ही नहीं होगा देन कंपाइलर के लिए साइज डिसाइड करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल. देन हो सकता है आप इस केस में कंफ्यूज हो, आपको क्लियरली सो रहा है एन का वैल्यू क्या है 5. इसे मैं आपको क्लियर कर दूं, इस केस में एन क्या है, वेरिएबल्स. तो एन क्या है, वेरिएबल. और वेरिएबल्स का सिंपल डेफिनेशन है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस, मीन्स रन टाइम पर कोई लोकेशन होगा उसको नेम क्या आसान हो जाएगा एन. देन इस लोकेशन में फिजिकली क्या आसान हो जाएगा 5. मीन्स 5 अवेलेबल कब हो रहा है, जब एन के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हो रहा है. और एन क्या है, वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के लिए स्पेस कब एलोकेट होता है, एट रन टाइम. मैं बात कर रहा हूँ जस्ट कंपाइल टाइम प्रोसेस. एरे के केस में साइज रिक्वायर्ड कब है, एट रन टाइम और एट कंपाइल टाइम. एट कंपाइल टाइम, लेकिन आपके पास एन का वैल्यू अवेलेबल कब हो रहा है, एट रन टाइम. इसे इंफॉर्मेशन पहले रिक्वायर्ड है, पहले अवेलेबल है. पहले आपको रिक्वायर्ड है देन अवेलेबल हो रहा है, देन इसलिए प्रोसेस कैसा है, इनवैलिड. क्लियर. मीन्स किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करें तो वेरिएबल अवेलेबल कब होते हैं, एट रन टाइम. और एरे का साइज कब रिक्वायर्ड है, एट कंपाइल टाइम. देयरफॉर वी कैन नॉट सप्लाई वेरिएबल एज अ साइज. आप सोचो इस केस में फिजिकली तो आपको 5 सो रहा है, मीन्स आपको तो 5 विजिबल है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कंपाइलर के पास अवेलेबल नहीं. कंपाइलर के पास मीन्स रियल में एन में 5 अवेलेबल कब होगा, एट रन टाइम. अदर टाइप से देखते हैं, सपोज इस केस में 5 असाइन करके अगर मैं इस प्लेस पर यूज करता हूँ समथिंग सम स्कैन एफ फंक्शन. स्कैन एफ ब्रैकेट्स के फॉर्म इस कोड को प्रोवाइड कर रहा हूँ. स्कैन एफ मीन्स पहले आप एन का वैल्यू रीड करा सकते हो एड्रेस ऑफ एन बाई फॉलोइंग वैलिड सिंटैक्सेस. इन दैट केस, इस केस में करंटली अगर बात करें स्कैन एफ के थ्रू एन का वैल्यू रीड कब होगा, कंपाइल टाइम पर या रन टाइम पर, एट रन टाइम. मीन्स स्कैन एफ कब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन टाइम पर. और एन का वैल्यू कब रिक्वायर्ड है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन. देयरफॉर एरे क्रिएशन प्रोसेस इज स्टैटिक इन सी लैंग्वेज. वी मस्ट हैव साइज इंफॉर्मेशन एट कंपाइल टाइम और बिफोर कंपाइल टाइम. क्लियर. दिस इज द ऑल अबाउट बेसिक आइडिया अबाउट एरे. नेक्स्ट सेशन जस्ट डिस्कस करेंगे मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू एरे, देन एरे वर्सेस पॉइंटर्स.